ईद की पार्टी में सलमान खान की बहन अर्पिता के घर में लगा सितारों का मेला, जहां एक तरफ शहनाज गिल, दीपिका पादुकोण, करिश्मा कपूर की एंट्री ने बढ़ाई महफिल की शान, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत की धाकड़ एंट्री ने किया लोगों को हैरान। बीते दिन ईद के मौके पर बॉलीवुड में शानदार जश्न का नजारा देखने को मिला। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने शिरकत की और इस हसीन शाम में चार चांद लगाए। किसी ने अपने स्टाइल से बिजलियां गिराई तो किसी ने अपने अंदाज से कहर बरसाया। तो आइए एक एक करके नजर डालते हैं सितारों पर जिनका ईद के मौके पर खास अंदाज दिखा। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की, जिनकी एंट्री से इस हसीन शाम की शुरुआत हुई। इस खास मौके पर सलमान खान ब्लैक शर्ट और रिप जीन्स में काफी हैंडसम लुक में दिखाई दिए। तो वहीं अर्पिता आयुष को ईद की मुबारकबाद देने के लिए उनकी बहन अलवीरा खान भी अपने हस्बैंड अतुल अग्निहोत्री और बेटे आयान अग्निहोत्री के साथ आईं। इस मौके पर अतुल और आयान दोनों ब्लैक पठानी कुर्ते में दिखाई दिए, तो वहीं अलवीरा पीच कलर के हैवी एम्ब्रॉयडरी सलवार सूट में दिखी। पार्टी में सलमान की फैमिली के अलावा जिसने सबका ध्यान खींचा वो रही कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना का नाम सुनकर आप सब हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये सच है कि कंगना भी सलमान की ईद पार्टी में शामिल हुई थी। ना सिर्फ वो इस पार्टी में शामिल हुई बल्कि अपनी अदाओं से उन्होंने महफिल की रौनक भी बढ़ाई। कंगना ईद पार्टी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में पहुंची थी। उन्होंने व्हाइट कलर का डीप नेक वाला शरारा सूट पहना था जिस पर हर किसी की नजर ठहर गई। कंगना ने पैपराजी को काफी सारे पोजेस भी दिए और फ्लाइंग किस भी किया। इस दौरान कंगना काफी खुश दिखाई दे रही थी। पार्टी में महफिल जमाने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी आए। इस दौरान जहां रणवीर सिंह हमेशा की ही तरह अपनी अतरंगी अंदाज में नजर आए, तो वहीं दीपिका पादुकोण ब्लैक धोती कुर्ता में दिखी। इस लुक के साथ दीपिका ने हैवी इयररिंग्स कैरी किए थे जिसमें वो काफी स्टाइलिश दिख रही थी। पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज भी इस ईद पार्टी का हिस्सा बनी और अपनी क्यूटनेस से लोगों का अटेंशन ग्रैब करती दिखी। ब्लैक पटियाला सूट और बालों में जूड़ा, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने शहनाज वाकई काफी खूबसूरत दिख रही थी। बॉलीवुड के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन भी इस ईद बैश में ट्रेडिशनल अटायर में पहुंचे। इस दौरान वो व्हाइट कुर्ते में काफी किलर दिख रहे थे। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन भी इस पार्टी में अपनी बेटी रेने के साथ पहुंची। इस दौरान जहां रेने व्हाइट सलवार सूट में क्यूट दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता लाल कलर के सलवार सूट में कातिल लगी। हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस सनी लियोन भी अपनी देसी लुक से लोगों का ध्यान खींचती नजर आई। लाइट ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन के लहंगे में सनी गजब ढा रही थी। पार्टी में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आए। दोनों के ब्रेकअप की खबरों के बीच उन्होंने पार्टी में एक साथ एंट्री की और जिन्हें देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि इस दौरान वो एक दूसरे से दूर दूर ही दिखे। कियारा इस दौरान व्हाइट कोट सेट में दिखी तो सिद्धार्थ ब्लैक पठानी कुर्ते में दिखे। पुलकित सम्राट भी ब्लैक पठानी कुर्ते में ईद की दावत में पहुंचे थे। वो गर्लफ्रेंड कीर्ति खरबंदा के साथ पार्टी में आए थे। कीर्ति इस दौरान लाइट पिंक साड़ी में काफी खूबसूरत दिख रही थी। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी भी पार्टी में आई। इस दौरान सोनाक्षी लाइट ग्रीन साड़ी में तो हुमा सफेद लहंगे में कमाल की लग रही थी। तब्बू भी अर्पिता की ईद की पार्टी में व्हाइट ट्रेडिशनल अटायर में दिखी। दिलचस्प बात ये रही कि इस दावत में करण जौहर भी पहुंचे थे। हालांकि करण अपने दोस्त मनीष मल्होत्रा और करिश्मा कपूर के साथ नजर आए। करिश्मा लाइट पर्पल कलर के सलवार सूट में काफी प्रीटी दिख रही थी। ईद पर सलमान खान की बेहद खास दोस्त जैकलिन फर्नांडिस भी आई। इस खास मौके पर जैकलिन ने व्हाइट इंडो वेस्टर्न लुक से कहर बरपाया। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी ब्लैक साड़ी में अपने हुस्न की बिजलियां गिराती नजर आईं। जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख को कैसे भूल सकते हैं, दोनों सलमान खान के काफी क्लोज दोस्त हैं। ऐसे में पार्टी के इनविटेशन उन्हें ना मिले ये हो नहीं सकता था। जेनेलिया बेस कलर के शरारा सूट में और रितेश उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए ब्लू कुर्ता पजामा में नजर आए। अनिल कपूर और सुनील शेट्टी भी ब्लैक कुर्ता पजामा पहने पार्टी में पहुंचे। इस पार्टी में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने भी हाजिरी लगाई। वो ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के ट्रेडिशनल कपड़ों में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।